पहले हिजाब, फिर हलाल, फिर अजान और अब मुस्लिम फल व्यापारी निशाने पर है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी तैयारी चल रही है और वो भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत। कर्नाटक के हिंदूवादी संगठन श्री राम सेने ने अब मुसलमान फल व्यापारियों के बहिष्कार की अपील की है। फल बाजार में मुसलमानों की मौजूदगी को लेकर चलाए गए इस ताजा अभियान पर कोलार डिस्ट्रिक्ट मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन परेशान है। कोलार क्षेत्र में सभी तरह के आम उगाए जाते हैं, इनमें तोतापरी, मल्लिका, नीलम, केसर, मालगोवा, रसपुरी, सिंदूरी, बादामी और अल्फांसो आदि शामिल है। ये आम यहाँ से ट्रेन की विशेष बोगियों के जरिए दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में पहुँचते हैं। लेकिन श्री राम सेने ने कहा है, आम के थोक बाजार पर मुसलमान व्यापारियों का वर्चस्व है जो हिंदू किसानों से फल खरीदने के लिए इंतजार कराते हैं और फिर सस्ती दर निर्धारित करके आधी रात में आम खरीद लेते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलातूर चिनप्पा रेड्डी ने कहा है, अगर इस इलाके में मुसलमान कारोबारी अधिक हैं तो क्या होगा, वो उनका धर्म है, ये उनका पारंपरिक कारोबार है, इसलिए ही वो यहाँ है, इससे किसी को कोई तकलीफ क्यों होनी चाहिए, तुम भी जाओ और कारोबार करो, तुम्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने इसके आगे कहा, क्या किसी मुसलमान ने तुम्हें रोका है, कोलार जिले में हम सब एक, हिंदू और मुसलमान कारोबारी यहाँ भाई भाई की तरह है, हम बिना किसी विवाद के साथ में रहते हैं और साथ में ही कारोबार करते हैं। आम कारोबारी मुस्तफा शरीफ कहते हैं, यहाँ करीब 60% कारोबारी मुसलमान हैं और 40% कारोबारी हिंदू हैं। हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा, जाहिर है दोनों ही समुदाय में ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो हर चीज को सांप्रदायिक नजरिए से देखेंगे, लेकिन आम तौर पर हम लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं रहे हैं। ये ऐसे है जैसे भाइयों के दो घर, हम ऐसे ही आस पास रहते आए। याद दिला दें कि इसके पहले श्री राम सेने ने हिंदुओं से हलाल मीट नहीं खाने की अपील की थी। इसके साथ ही उसने कर्नाटक नववर्ष उगाड़ी पर मांसाहार न करने की अपील हिंदुओं से की थी, पर आम हिंदुओं ने इन दोनों ही अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। आम के मुसलमान फल व्यापारियों के बायकॉट की अपील का क्या असर होता है, यह भी जल्द ही मालूम हो जाएगा।